तो एक छोटा सा कुछ करना चाहते हैं आप लोग का सामने एज ए मिमिक्री आर्टिस्ट। तो इसी कॉन्टेंस का ऊपर हम बोलना चाहते हैं, अगर सनी बाजी आता तो उसका स्टाइल कैसे होता है, तो पहले वो करेगा ऐसे। और यह आगे मुझे बहुत अच्छा लगा, सच कहता हूँ। और आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा मुझे पता नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और भारत माता की कसम, हिंदुस्तान की कसम, और ऐसा माहौल मैंने आज तक नहीं देखा। और इसी कंटेंट्स का ऊपर अगर नाना पटेकर आता तो उसका रिएक्शन कैसे होता? सनील भी अपना लेकिन वो आराम से रिलैक्स करेगा, उसका बाद वो बोलेगा, हंसेगा, उसका उसका जो यूनिक स्टाइल है वो पहले हंसेगा, जैसे कि ऐसे करेगा। अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, बहुत दूर से आया हूँ यहाँ। अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, अच्छा है, सलाइन मच्छर एक मजे से आपको हिजरा बना देता। अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, भगवान का क्या दौलत है सौरत है इज्जत है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। और आप सभी को ढेर सारा शुभकामनाएं। और लास्टली नो द लिस्ट, इसी कॉन्टेंस का पर हम एक लास्ट एक बोलेगा वो भी नाना पाटेकर का आवाज़ में। पहले ऑडिशन के लिए हमने ये डायलॉग को प्रिपेयर किया था, तो आई होप आप सभी को पसंद आएगा, तो उसके ही आवाज़ में हम बोलेगा, मे बी आप लोग को अच्छा लगेगा। ये नाना पाटेकर का आवाज़ में बोलेगा, एक डायलॉग है बोलो। पैसे उसी का हिस्सा, तो आप लोग जस्ट एंजॉय कीजिए। तूने मुझे क्यों छोड़ा है, क्यों छोड़ा है? इसलिए क्योंकि मैं गरीब था, गरीब। अरे यार मैंने तेरे क्या कुछ नहीं किया, जो तुम चाहो मैंने वो किया, जो तुम मांगा मैंने वो दिया। अच्छा, तूने जन पैसों के लिए दे तो रहा मेरे दिल पर। अच्छा है, अच्छा है। लास्ट ये एक फिल्म का था, लेकिन उसमें वो सनी पाजी वकील होता है, तो उसी को हम थोड़ा बोल के खत्म करेगा। ये ऐसे है, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिलती है, पर इंसाफ नहीं मिला, मिला मिला तो बस तारीख। और हेमिंग आजल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग को अच्छा लगा या नहीं लगा मुझे पता नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा। और भारत माता की कसम, हिंदुस्तान की कसम, थैंक यू, थैंक यू सो मच। Once more.